अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड एंड गो सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो जी, आज हम जा रहे हैं तख्त भाई। तख्त भाई एक ऐसी जगह है, अगर दुनिया में टॉप हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिहाज से देखा जाए तो तख्त भाई की एक अपनी ही जगह है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये जगह बहुत अहमियत के हामिल है, और ये जगह आज से तकरीबन 2300 साल पुरानी है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, और हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि वो उनका लाइफ स्टाइल कैसा था और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। तो चलें, आज मैं पहली दफ़ा वॉइस ओवर ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सब कुछ दिखाने वाला है, सारे ब्लॉग में अपना थंबनेल नहीं पता रहता, आप भी बोर हो जाती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वॉइस ओवर ब्लॉग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इस अंकल को बदले क्या और मुझे और मेरे कैमरे को घूरी जा रहे थे। ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ही हमने जाना था। ये जब ये पहाड़ जितने करीब लग रहे हैं इतने हैं नहीं, और यहाँ पर हम पहुँचने वाले थे। यहाँ से हम बहुत करीब थे पहाड़ों तक पहुँचने में, और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इन पहाड़ों के अंदर ही तख्त भाई के खंडरात हैं। यहाँ पर जी अब हम पहुँच गए हैं गेट पर, यह है तख्त भाई का गेट। यहाँ से अब हम इंटर हो रहे हैं, और ये जो सामने वाली गाड़ी है इसमें भी हमारे कुछ फैमिलीज़ थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ भी थी। तो आगे व्यू बहुत ज़बरदस्त था, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। यहाँ पर अब हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने पार्किंग का सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ था। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर तख्त भाई के जो दूसरा गेट है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर DSLR कैमरा अंदर यूज़ करना है तो उसके कुछ चार्जेस होंगे। अगर आप भी आएँ तो DSLR कैमरा अगर आपके पास हो तो आप चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 200 रुपीज़। यहाँ पर जी अब हम इंटर हो चुके थे अंदर। ये जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से हमने चढ़ के ऊपर जाना था, और इन्होंने शुक्र है सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, अगर सीढ़ियाँ ना होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता चढ़ना ऊपर, क्योंकि अगर सीढ़ियाँ हैं तो बहुत आसान हो है। देख सकते हैं आप नीचे सारी पत्थर की बनी हुई है चिड़िया, और यहाँ से कुछ मैं ऊपर चढ़ा और नीचे का देखें, यहाँ से अगर कोई गिर गया तो मतलब वो तो अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा अच्छा खासा। और यहाँ से अब ऊपर जा रहे थे, अब यहाँ से हमें टर्न होना था ऊपर की तरफ। ये जैसे ये देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ पे अब जाना है हमने, यहाँ से अभी हमने मुड़ के ऊपर जाना है, और ये तकरीबन हमने यहाँ पर आधा सफ़र यहाँ ऊपर चढ़ने का तय कर लिया था, और नीचे जो आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ से अभी हम आए हैं और ऊपर जा रहे हैं। और ये कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी यहाँ पर, यहाँ की जैसे जमालगढ़ी और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर, सो उसकी बहुत सी पिक्चर्स लगी हुई थी, कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी। आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, मैं तो अभी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि टाइम कम है बहुत, मैं अभी घर जाके पास करके मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ूंगा।
अब यहाँ पर हम ऊपर आ गए थे, अभी इससे भी ऊपर रहता था, लेकिन अभी ऊपर अभी जाएंगे, पहले नीचे सारा घूम लें और फिर ऊपर जाएंगे। और ये कुछ इसकी तारीख लिखी हुई है, इसका नक्शा वगैरह बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी अपनी वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। तो नीचे ये रास्ता जाता है, इसके नीचे भी जाएंगे और देखेंगे, पहले ऊपर सारा कवर कर लें। यहाँ पर इन्होंने जाली लगाई हुई थी ताकि कोई नीचे गिर ना जाए। तो यहाँ पर अभी इन लोगों ने ये यहाँ पर नीचे सहन बना हुआ, यहाँ पर एतकाफ़ बैठते थे जो यहाँ के लोग होते थे पहले। हम तो मस्जिद में बैठते हैं, तो वो लोग यहाँ बैठते थे, नीचे कमरे यहाँ बने हुए, तो यहाँ से व्यू ज़बरदस्त था। और यहाँ से हम नीचे भी जाएंगे, यहाँ पर ये जो आपको रास्ता पहले देखा है तो ये यहीं पे जाता है, तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर इन्होंने सारा बंद किया हुआ है, शायद शाम हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लोर करना था ऊपर जाके। यहाँ पर हमने दरवाज़ा वो लोग नहीं खोल रहे थे, तो हमने रिक्वेस्ट की और दरवाज़ा खुलवा लिया, क्योंकि शाम हो गई थी अच्छी खासी, तो यहाँ पर अलाउ नहीं है ऊपर जाना शाम को। तो अगर आप लोगों ने भी आना है तो कुछ जल्दी आइएगा। यहाँ पर हम ऊपर अब चढ़ रहे थे, यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब था, यहाँ पर सीढ़ियाँ सही तरह नहीं बनी हुई थी, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही थी चढ़ना। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके पत्थर फिसल रहे थे। तो यहाँ पर हम टॉप पे आ चुके थे, यहाँ पर यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, इससे भी ऊपर हम जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे रास्ता सही नहीं था। यहाँ का व्यू देखें, ज़बरदस्त व्यू था। और यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं अब, और यहाँ पर अब हम नीचे जा रहे थे, और नीचे जाके हमने वो जो जगह आपको दिखाई थी हमने वही देखनी थी, जो मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर लोग इत्तेकाफ बैठते थे, तो अब हम वहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर ये भाई कुछ हिस्ट्री बता रहे थे इन कमरों की, जिस तरह हम इत्तेकाफ के लिए नहीं बैठते वो मस्जिदों में, उस तरह वो पाँच पाँच महीने एक एक साल ये 10x10 कमरा है इसमें बैठ जाते थे, यहाँ पर अपनी वो उसका जो दीन था ना, वो मजहब था उसकी वो इबादत करते थे इधर। जब उसका दिल खराब हो जाओ, पाँच पाँच महीने 10x10 महीने इस कमरे में 10x10 कमरे एक साल तक यहाँ पर बंद रहते थे। जब उसका दिल खराब हो जाता या कोई मसला जाता तो इस कमरे से बाहर निकलते थे, वहाँ उस रास्ते से थोड़ी हवा खा के फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर बैठ के। तो ये वो कमरे थे जहाँ पर एक एक साल 6-6 महीने एतकाफ बैठते थे, और आगे भी कमरे हमने देखे कुछ। तो यहाँ पर अब हम लोग बाहर जा रहे थे, यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर से सहन दिखाया था ये वही सहन है, तो नीचे आके ये काफ़ी खुला लग रहा था। तो यहाँ पर अब हम ऊपर आ गए थे और नीचे हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया था, अब हमने साइड एरिया देखना था कि किस तरह से है इनका। इन्होंने कुछ दीवार पर स्पोर्ट दी हुई है,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये दीवार गिरने वाली होगी, तो इन लोगों ने, और यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे। और आगे इन लोगों के पत्ते कुछ कमरे वगैरह हैं या वाशरूम वगैरह हैं, उन्हें कुछ बने हुए थे तब हम, तो ये बिल्कुल यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मेरे ये जो मेरे हाथ में चिप्स वगैरह थे, लेज वगैरह थे, तो आप इसकी आवाज़ को इग्नोर करें। ये और यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। तो अब हो रहा था वापस जाने का टाइम, और क्योंकि शाम हो रही थी तो अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं वापसी के लिए।